वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ ने मरी में मसरूफ़ दिन गुजारा। उन्होंने कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ के साथ मिलकर मरी के मसाइल और गैर कानूनी तमीरात के हवाले से अहम इजलास की सदारत की, जिसमें MPA बिलाल जमीन सत्ती, चीफ सेक्रेटरी जायद अख्तर जमान, कमिश्नर रावल पिंडी अमर खटक, डिप्टी कमिश्नर मरी जहीर शराजी, RPO रावल पिंडी और दीगर हुकाम ने शिरकत की, जबकि सीनियर मिनिस्टर पंजाब मरियम औरंगजेब और MNA राजा उसामा शवाक सरवर ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इजलास में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ को मरी के मसाइल, ज़रूरियात और डिवेलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने मरी के डेवलपमेंट के लिए जमे प्लान तलब किया। इजलास में मरी और दीगर सियासी मकामात पर प्लास्टिक पर पाबंदी का हुक्म दिया गया, जबकि मरी में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाने के लिए साइट का जायजा लिया गया। मरी में एंट्री गाड़ियों को परमिट इशू जारी करने की तजवीज़ का जायजा लिया गया। मरी के लिए दरिया झेलम से पानी लाने के लिए वाटर सप्लाई स्कीम के असूली मंजूरी का फैसला, जबकि वाटर सप्लाई स्कीम की बहाली और फिल्ट्रेशन का काम भी तलब किया गया। मरी में पार्किंग के लिए केबल कार और जदीद ट्राम चलाने के इकदाम की हिदायत की गई और मरी में गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी पर गौर किया गया। हर बिल्डिंग में पार्किंग की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। मरी में गैर कानूनी इमारतों की निशानदेही करके फौरी तौर पर गिराया जाए। इजलास में न्यू मरी कायम करने के लिए कोटली सत्तियों और दीगर मकाम पर मुतबादल सियासी मकाम में डेवलपमेंट किया जाएगा। मरी में मोटरवे की तर्ज पर साफ़ सुथरे टॉयलेट बनाए जाएंगे। मरी के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी और पार्कस एंड हार्टिकल्चर कायम किया जाएगा। मरी में तजावजात के खात्मे का हतमी प्लान पेश किया गया, जिसकी मंजूरी दे दी गई। मरी में बस स्टैंड को फंक्शनल करने और गैर कानूनी अड्डे बंद करने का असूली फैसला भी हुआ। मरी की सड़कों को वन वे बनाने और कुशादगी की मंजूरी दी गई। मरी की सड़कों पर गड़े ख़त्म करने और गलियों बाजारों को बहाल किया जाएगा, जिसके गली चौक की वसत का भी जायजा लिया गया। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि मरी कंक्रीट का जंगल बन चुका है, तमीराती मेयार को मद्देनजर नहीं रखा गया। लैंड स्लाइड पॉइंट्स पर होटलों इमारतों की तमीर खतरनाक साबित हो सकती है। माजी में पैसे कमाना मकसद रहा, जबकि तारीखी इमारतों को का कदीम उस तबाह कर दिया गया। सियासी मकामात पर बदनजामी की तस्वीर बन चुके हैं। शहबाज शरीफ को मरी में गैर कानूनी इमारतें हटाने पर शाबाश देता हूँ। इस मौके पर वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि बदे स्ट्रक्चर मरी के कुदरती हुस्न को मसख कर रहे हैं। अवाम की जिंदगी का तहफ़ हुकूमत का वलीन फ़र्ज़ है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने शदीद बारिश के दौरान गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मरी का दौरा भी किया और उन्होंने तलबात से पढ़ाई और दीगर अमूर के बारे में दरियाफ्त किया। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मरी की सातजा और तलबात वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज को देख कर खुशगवार हैरत में मुबतला हो गई। इस मौके पर वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ का एक बाजू से माजूर बच्ची को इलाज कराने का भी हुक्म दिया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने स्कूल के इंतजाम को सराहा। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी जायद अख्तर जमान भी उनके हमराह थे।